स्टार्ट। तो दोस्तों आज मैं अपने HK416 गोल्ड फार्म में काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने आया हूँ। और तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, कम से कम वीडियो बनाए हुए 15 से 20 दिन हो गए अपने गोल्ड फार्म के। और ये मेरे गोल्ड फार्म के बकरे की मतलब पहली या दूसरी वीडियो होने वाली है, लॉन्ग वीडियो। बाकी तो मेरे चैनल पर और भी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन ये थोड़ी आज मैं डिटेल में बनाने जा रहा हूँ। ऐसी वीडियो मैंने कम से कम आज से 1.5 साल पहले बनाई थी और आज मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपको अपनी बकरी दिखाता हूँ। ये हमारा कलच्चा, ये इसकी रस्सी हो गई, इसको पीछे कर दो। चलो भाई आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए भाग भाग के आ रहे हैं, उधर दिखाओ, ये भाग के जाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारी ये बकरियाँ हैं, ये दौड़ लगाती रहती है सब पे। और ये दोनों इसी के बच्चे हैं, उनको हमने भूसा सान दिया है और ये खा रहे हैं भूसा वगैरह। ये हमारी बकरी है झुंझुन, और उधर हमारे बच्चे हो गए हैं दो। अबे उधर दिखा, हमारे दो उधर बकरी के बच्चे हुए हैं, ये बकरी के बच्चे हैं। और ये छत पे भागते रहते हैं, इनके भी हम दौड़ कर आएंगे। ये पूरी छत पे ऐसे ही भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इधर से हम इनको दोबारा उधर आएंगे। चलो भाई इधर, चलो चलो उधर, चलो सेना। ऐसे ही गाइस, हम इन्हें हम पूरी छत पे भगाते रहते हैं और इनकी हम दौड़ कराते रहते हैं। इस बकरी का नाम हमने झुंझुन रख रखा है, ये झुंझुन। इसको हम बहुत छोटा बच्चा लेके आते हैं, करीब इतना बड़ा बच्चा लेके आते हैं, इसे इतना बड़ा बच्चा लेके आते हैं, अभी इतना बड़ा हो गया। ये ब्लैक बंगाल की बकरी है, बढ़िया तैयार बच्चे बच्चे दे देती है। अब ये दोबारा बच्चे देगी बहुत दिनों बाद, हमें नहीं पता कितने दिन बाद देगी। इसका नाम झुंझुन रख रखा हमने। ये हमारी बात नहीं मानती, ये इसका बच्चा है, इसका दूध पिलाती नहीं है। दूध मत पी भाई, दूध मत पी भाई, बकरी भड़क जाएगी, दूध नहीं पिलाती। और इसके एक बच्चे के सींग देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, किले उड़ गए हैं, कितने बड़े बड़े सींग हैं। और ये दूसरा बच्चा है इसका, इसके छोटे सींग हैं और ये हाइट में भी छोटा है। और ये इसका तीसरा भाई, इसके सींग ही नहीं है, काला है बिल्कुल। ये बुढ़िया आ जाता है रुकने के नाम पे। चलो भाई भागो, चलो भागो, चलो भाई चलो चलो। इनकी एक दौड़ और हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे हम। ये बच्चे अपना आप जाएंगे इसके पीछे पीछे, उधर दिखाओ पीछे पीछे। अब देखो ये गाइस उसको मछली मार रहे हैं। चलो भाई जमको मारो। तो गाइस आज हम अभी हम इनको इधर भगाएंगे, तो कैमरा मैन उधर दिखाएगा कि कैसे जंप मारते हैं। चलो भाई चलो जंप मारो, तो भाग रहा हूँ उधर। गाइस देखिए जंप चल रही है इनकी, तो ये हमारा जैसे चीज़ होता है, ये बहुत जंप मारता है। इसको हमने चले आजा आजा, ये बार ये भागने लग जाएगा ना तो रुकेगा ही, आजा आजा। गाइस स्टार्ट हो गया, आजा गाइस, ये आ रहा है अभी, ये भाग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलो ये हमारे आज के 416 गोल्ड फार्म के जानवर हैं। और हमने बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाई है। और पहले जब मैं वीडियो बनाता था और बोलता था तो मुझे घबराहट होती थी, लेकिन अब कंफर्टेबल हो गया, घबराहट वगैरह कुछ होती नहीं है।
ये अपना ही फोन है, जो बोलो ठीक बोलो। और यूट्यूब भाई और साथ गाइस मैं बनाने को तो और भी वीडियो बना सकता हूँ, फनी वीडियो बना सकता हूँ, टैग की वीडियो बना सकता हूँ, काफ़ी मेरे पे टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मेरे को पसंद बकरी है। मैंने जब सबसे पहले चैनल बनाया था तो एच के 416 गोट फार्म के नाम से बनाया था। उसके बाद भी आज मैं बनाना चाहूँ तो काफ़ी तरह के चैनल बना सकता हूँ, मगर मैं बकरी के ही बनाता हूँ। भले मेरे पे 4-5 बकरी हो उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब अच्छी लगती है। मेरे को इतना है कि अभी मैं 11th क्लास में हूँ और पूरे स्कूल में मेरे स्कूल में किसी के पास भी यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन नहीं। और मैं मेहनत करूँगा कि मेरे पे यूट्यूब का एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए 11th में, वो भी मैं 12th कंप्लीट करने से पहले मेरे पास आ जाए। और एक सिल्वर प्ले बटन सबको मैं दिखा सकूँ कि मेरे पे एक बकरी थी। और अगर तुम पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो जब भी तुम यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो और एक यूट्यूब के आदमी बन सकते हो सिल्वर प्ले बटन लेके। तो ये बकरी मेरे साथ है, झुंझुन है इसका नाम, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी मदद करती है वीडियो बनाने में। और ये सब इसके बच्चे हैं, ये भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन जिस दिन सिल्वर प्ले बटन आएगा उस दिन मैं तबाही ला दूंगा यूट्यूब पे। तो वीडियो को हम बंद करते हैं, बंद हो जाए भाई वीडियो, वीडियो बंद हो जाए।